ससुराल गए दामाद की जलने से मौत हो गई है और उसके पिता ने ससुरालियों पर उसे जलाकर मारने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में सरकाघाट थाना पुलिस ने पिता की शिकायत पर धारा 302 के तहत चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पहचान नवीन कुमार पुत्र प्रकाश चंद निवासी बडाल सरकाघाट के रूप में हुई है। मृतक नवीन के पिता प्रकाश चंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 नवंबर को उसे फोन आया कि उसका बेटा जल गया है। वह अपने समधी के घर सैंड पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा नवीन कुमार जली हुई अवस्था में आंगन में पड़ा था। स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से उसके बेटे नवीन कुमार को इलाज के लिए सिविल अस्पताल सरकाघाट ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हमीरपुर रेफर कर दिया गया। हमीरपुर में उपचार के दौरान नवीन ने दम तोड़ दिया। एक प्रकाश चंद जी ने एक शिकायत दी है कि उनका बेटा जो नवीन था वो अपने ससुराल आया था और वहाँ पे उसको जो है वो तेल डालकर जो उसके ससुराल वालों ने उसको जला दिया। उसने उनके ससुराल वालों के जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर आरोप लगाए थे। तो इसमें हमने पोस्टमार्टम करवा लिया है बॉडी का और उनको हैंड ओवर कर दिया। उसके लास्ट राइट्स हो गए थे। इसमें हमने 332 IPC में मुकदमा दर्ज किया और हमने स्पॉट का जो इंस्पेक्शन है वो फॉरेंसिक टीम से करवा लिया है और हर पहलू पर जो है हम बारीकी से इसकी छानबीन कर रहे हैं। हमें मौके पर कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर तफ्तीश को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें जो थी वो इसकी जो सास है वो भी जो थी वो झुलस गई हैं। वो नेहर चौक मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं, शी अंडर ट्रीटमेंट। तो इसमें हम हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रहे हैं और जांच में जैसी भी चीज़ें आएंगी सामने उनको ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र इसमें कार्रवाई जो है नियमानुसार अमल में लाई जा रही है। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16